So en route, Khanjar village of beautiful Mayar valley of Lahore, ये जो खूबसूरत लैंडस्केप आप देख रहे हैं ये है मैंथोसा नाला। और एक्सीडेंटली मुझे आज एक मल्टीपर्पज़ प्लांट को डॉक्यूमेंट करने का मौका मिला जिसका नाम है शिबिक थॉर्न, एक श्रब है। ऑरेंज येलो एडिबल बेरीज़ को देखा जा सकता है और इसका वैज्ञानिक नाम हाइपोपी रहमानॉयडिस। और ये अबव ट्री लाइंस हिमालयन रीजन्स में जो है ये पौधा देख सकते हैं आप, ड्राई एरियाज़ और कोल्ड डेजर्ट्स जैसे लद्दाख, लाहौल, स्पीति, 2 से 4 मीटर तक जो है इसकी हाइट जो है वो देखी जा सकती है। ये वास्तव में टेम्परेट जोन का जो है मल्टीपर्पज़ प्लांट है, डेसीडुअस स्पीसीज। और ख़ास बात है कि ये स्लोपी एरियाज और रिवर बैंक के आसपास इसको आप देख सकते हैं। इसकी जो लीव्स होती हैं वो अल्टरनेट लीव्स, नैरो लेंसुलेट और सिल्वर ग्रे कलर की जो है लीव्स को देखा जा सकता है। ये आप ऑरेंज कलर की बेरीज को देख रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है ये जो पौधा है ये पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी से भरपूर है, विटामिन ई, कैरोटीनॉइड्स, फ्लेविनॉइड्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, कुछ अमीनो एसिड्स, और ये रिच सोर्स है विटामिन सी और ई का। विटामिन सी जो है इसमें इतना ज़्यादा है 600 mg/100 g फ्रूट में जो है वो ऑब्टेन किया जा सकता है, और विटामिन ई जो है 160 mg/100 g जो है वो इसमें देखा गया है। आजकल स्थानीय लोग लाहौल में इसकी कल्टीवेशन भी कर रहे हैं। और ये इसकी 3 मुख्य स्पीसीज हैं, हाइपोफी सेल्सिफोलिया, हाइपोफी टेबिटाना, लेकिन इसकी 9 सब स्पीसीज को रिकॉर्ड किया गया है जिसमें ये जो स्पीसीज है ये हाइपोफी टर्किस्टियाना जो है इसको डॉक्यूमेंट किया गया। और ये जो श्रब है ये -40 डिग्री तक भी जो है ये सर्वाइव करता है, इसीलिए ये कोल्ड डेजर्ट्स में जो है इस पौधे को देखा जा सकता है। रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ऑर्गेनिक एसिड, विटामिन्स, मोस्ट न्यूट्रिशियस माना गया है और रिच सोर्स है विटामिन सी और ई का। रशिया और चाइना में सिबिक थॉर्न ऑयल का जो है वो इस्तेमाल पहले से मेडिसिनल वैल्यूज़ के तौर पर होता रहा है, और ये कह सकते हैं कि एक यूनिक और वैल्यूएबल प्लांट स्पीसीज है। और करंटली जो है इसको डोमेस्टिकेटेड किया जा रहा है वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आजकल बहुत सारे स्थानीय लोग लाहौल वैली के अंदर सिबिक थॉर्न्स की खेती भी कर रहे हैं, लेकिन मेयार वैली के अंदर इसके नेचुरल हैबिटेट को और पोटेंशियल हैबिटेट को डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड किया जा सकता है। ये एक खूबसूरत लैंडस्केप है मैंथोसा नाला, और उसमें एक खूबसूरत पैच है सिबिक थॉर्न्स का। मार्केट के अंदर आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिसमें ले बेरी, कैन बेरी और बिस्किट और दूसरे प्रोडक्ट्स को भी देखा जा सकता है। तो वास्तव में ये एक मल्टीपर्पज़ प्लांट बहुत वैल्यूएबल है, जाना जाता है रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी और ई के लिए। मेयार वैली इंडीड ए हब फॉर वैरायटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स इंक्लूडिंग सिबिक थॉर्न, एंड इट इज़ गुड टू सी ए पैच ऑफ दिस वैल्यूएबल श्रब एंड रूट the last village of Mayar valley that is Khanjar।
So this is Manthosa Nala, a habitat for Sebok Thorn. Dr. Vipin Rathore en route Mayar Valley, October 2020.